एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन फॉर चैप्टर नंबर 12। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। तो इसने क्या बोला है, दो सर्कल की रेडियस दे रखी है आपको 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अब आपको एक नया सर्कल बताया है जिसकी जो सर्कमफेरेंस है इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस को मिला के उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर है, तो वो नए सर्कल की आपको रेडियस बतानी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट रेडियस फॉर न्यू सर्कल बी आर। ठीक है, नए वाले सर्कल की रेडियस को हम मान लेते हैं आर। ठीक है, तो और स्मॉल आर वन आपको दे रखी है पहले वाले सर्कल की रेडियस, दैट इज 19 सेंटीमीटर, और आर टू जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या बता रखा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वन का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr1। ठीक है, सिमिलरली सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू दैट इज 2πr2। सिमिलरली सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल क्या हो जाएगा, न्यू सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा आपके लिए 2πr। ठीक है, आपको क्या बोला है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वन प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल। यही बोला है कि दोनों का सर्कमफेरेंस मिला के नए वाले के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 2πr1 प्लस 2πr2 इज इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं, तो 2π आ जाएगा कॉमन, दैट इज r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, तो ये 2π से 2π गया, तो हमारे पास क्या आ गया, r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू न्यू r। तो R1 की जगह वैल्यू रख देते हैं, तो 19 प्लस 9 इज इक्वल्स टू R। तो 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 28। तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। तो यही पूछा था आपसे कि नए वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नए वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, जो कि जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर होगा, दैट इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।